बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। जब हम विदेश घूमने जाते हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करते हैं, परंतु उन्हीं नियमों को अपने देश में नज़रअंदाज कर देते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बदलते हुए वक्त के साथ काफ़ी कुछ बदला है। इसके स्वरूप और ढांचे तक भी परिवर्तन हुए हैं, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदली है, वह है हमारा व्यवहार और दृष्टिकोण। हम अपने देश में नई नई जगहों पर जाना चाहते हैं, नई चीज़ें खोजना चाहते हैं, लेकिन उन नियमों को मानने से कतराते हैं जो कि वहाँ के रख रखाव के लिहाज से बेहद ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर हम लाइन में नहीं लगना, टिकट नहीं लेना, गंदगी फैलाना आदि। वही जब हम विदेश यात्रा करते हैं तो हमारा पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। हम नियमों के प्रति अति व्यवहारिक हो जाते हैं और हम नियम मानने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझने से क्या पता चलता है? क्या हमारा दृष्टिकोण थोड़ा भी बदल पाएगा? दृष्टिकोण अलग है। जब हम हमारे देश में घूमते हैं तो हम उसको घूमने को हमारे यहाँ मौज मस्ती तक ही सीमित है, जबकि बाहर के तमाम देशों में इसके साथ साथ कोई ना कोई सरोकार भी जुड़ा होता है। हम धरोहर को केवल घूमने का स्थान समझते हैं, इसलिए उन नियमों को दरकिनार कर जाते हैं जो कि सामाजिक व व्यवहारिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जिम्मेदारी का अभाव। घूमना तो हमने सीख लिया, लेकिन उनके नियमों के प्रति ना तो अभी तक हम व्यवहारिक हो पाए और ना ही जिम्मेदार। घूमने के दौरान हम उन मामूली बातों को भी ख्याल नहीं रखते जो एक पर्यटक के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हम अपना कूड़ा कचरा तक उन्हीं जगहों पर छोड़ाते हैं। अधिकार की प्रवृत्ति। घूमने को हम अधिकार समझते हैं। मैं इसे अधिकार नहीं, घूमने को अधिकार नहीं, बल्कि मैं इसको विशेष अधिकार समझती हूँ। जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो अपनी यात्रा के दौरान किसी न किसी रूप में पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं, कचरा फेंकते हैं या चीज़ों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। इससे हम इसका असर पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है। नियमों की अनदेखी। विदेशी धरती पर हमें सारे नियमों का पालन करते हैं, वही अपने देश में सब कुछ भूल जाते हैं। यदि हम विदेशी धरती पर सारे नियम मान सकते हैं तो अपने देश में मानने में क्या हर्ज है जो हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, क्या आपका इस देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता? नहीं, जब बनता है। जब भी आप कहीं घूमने जाएं, चीज़ों की छेड़छाड़ ना करें, कूड़ा करकट इधर उधर ना फैलाएं। आप अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, विकासशीलते इसको आप विकसित बनाना चाहते हैं, तो हर भारतीय, हर इंसान को सुधरना पड़ेगा। उसे अपने नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसे देश के में योगदान देना पड़ेगा, उसे देश के प्रति कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। इसलिए आपसे हमारा और हमारे देशवासियों का यही निवेदन है, जो भी कूड़ा करकट डालते हैं देश में अनेक जगहों पर, उनसे निवेदन है कि कूड़े करकट को सिर्फ कूड़ेदान में ही डालें, उसे उधर उधर ना फेंके। आप चारों तरफ घूमें, घूमना आपका अधिकार है, लेकिन आप कर्तव्यों का पालन करते हुए घूमें। नज़रिया बदलें तो नज़ारे बदल जाएंगे। हमारा देश एक दिन विकासशील से विकसित देश बन जाएगा, हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन जिएगा। अगर आप भी हमारे देश को अमेरिका की तरह विकसित देखना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना होगा। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।